हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सिंह ब्लॉग च एक बार फिर। मैं तुहाडा दोस्त दविंदर सिंह। दोस्तों, ये बाबा जी ने डेरा ब्यास की तारीफ की है अपने कीर्तन विच। जो समागम तुसीं देख रहे हो, यह बाबा जी महाराज चरण सिंह जी दे गनमैन रह चुके हैं। तो आओ सुनते हैं इन्हों। एक दो गल्लां जरूरी ने जिहड़ियां आप जी नाल सांझियां करनियां। गल्लां मैं तुहाडे नाल सांझियां करांगा, विचार तुसीं करने। तुहाडे पिंड दे नेड़े तेड़े किसी कस्बे विच राधा स्वामियां दा डेरा होएगा, उस डेरे विच ऐतवार सत्संग हुंदा है। कदे उस सत्संग दे लागे जाके वेख्यो, बीबियां दी तादाद ज़्यादा होएगी, बंदियां दी तादाद घट होएगी, पर तुहानूं कोई आवाज़ सुनन लई नहीं मिलेगी। केवल बुलारा ही बोलता होएगा, बाकी सुनने वाले खामोश होणगे। ना किसी नूं संगत विच मोबाइल लैके जाण दी इजाजत है, ना कोई छोटा बच्चा लैके आउंदा, ना किसी नूं गल करन दी आग्या। अगर उत्थे आ के कोई गल करे, उन्हूं बाहों फड़ के संगत विचों उठा दिता जाता, लिहाज नहीं किया जाता। मैं तकरीबन एक महीना बाबा चरण सिंह का गनमैन भी रहा है, ब्यास वाले बाबे का। मैं उत्थे बहुत कुछ वेख्या। गुरु की साजीवादी साध संगत उन्हां दा निजम है, जिस निजम सदका एक बंदा आ के एक घंटा सत्संग करके चले जाता तो 50 बंदे राधा स्वामी बन लई तैयार हो जाते। असी सारा दिन दीवान करते रहिए पर 5 बंदे भी अमर छकन वास्ते तैयार नहीं होंगे। कारण ये, जो स्टेज उत्तों कथावाचक सिंह कह रहा है, जो कुविशर सिंह कह रहा, जो ढाडी सिंह कह रहा है, बीबियां उसकी पेश नहीं जान दें। इन्नी आवाज़ स्टेज तक इन्हां दी आउंदी है, ना तो बुलारे की एकाग्रता बनती है, ना वो संगत नाल चंगे तरीके नाल गल सांझी कर सकता है। ये तुसीं बदकिस्मती समझो मेरी कौम की। ईरान विच पैदा होया शेख शादी, वो कहिंदा जे धर्म वधाउणा है तो औरत नूं धर्म विच मकबूल कर लो, धर्म अपने आप ही वध जाएगा। सिख धर्म का रसातल वाले जाण का कारण है कि बीबियां, पहली गल तो महाराज की हाजरी विच आउंदियां नहीं, जे आउंदियां ने तो अपनी आवाज़ नहीं रोकदियां। जदों कोई गल सुननी नहीं चाहिदा, तो आ कि जो कुछ संगत विच्चों सुनिया अपने बच्चों नूं वधीक बिठा के उन्हां नाल सांझा किया जा सके। तो जदों बीबियां ने सुनिया ही ना, बच्चों ने की सांझा करना है, तो बच्चों नूं की पता होएगा कि जोरावर ते फतेह सिंह कौन सन, जां भाई मनी सिंह कौन सी, हरी सिंह नलुआ कौन सी, अकाली फूला सिंह कौन सी। ये तो बुलारियां कोलों सुन के ही जानकारी मिलनी है। बदकिस्मती है मेरी कौम की, मैं दुख नाल कह रहा हाँ, कोई ऐसी स्टेज नहीं जिथे सानू जाके बेनती ना करनी पवे, तो बेनती कीत्या भी इसका प्रभाव बीबिया ते नहीं जाता। बेनती कीत्या भी चुप की आवाज़ नहीं देखने मिलती, बीबिया बोल।